हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते आज के पहले करंट अफेयर पे, किस देश के वैज्ञानिकों ने टिकाऊ प्रोटीन के लिए मिट्टी राइस बनाया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने टिकाऊ प्रोटीन के लिए मिट्टी राइस बनाया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साउथ कोरिया। और अगर यूनिवर्सिटी का नाम पूछ ले तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वो योनसेई यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको याद रखना है, यूनिवर्सिटी का नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस बार कौन सा एडिशन था? तो इस बार आपका 10वां एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर सेलिब्रेट किया 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को? तो आंसर क्या होगा? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडो मेडिटेरियन इनिशिएटिव इंडिया फोरम 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य भारत और किस देश के बीच बढ़ते संबंधों का समर्थन और प्रचार करना है? आपके पास ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इटली। इंडो मेडिटेरियन इनिशिएटिव इंडिया फोरम 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य भारत और किस देश के बीच बढ़ते संबंधों का समर्थन और प्रचार करना है? तो भारत और इटली के बीच। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, IMI स्टैंड फॉर, तो आंसर क्या होगा? इंडो मेडिटेरियन इनिशिएटिव। और इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? इंडिया फोरम 2024 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है अरशद नदीम, ऑप्शन सी है विक्रांत मलिक, ऑप्शन डी है एंडरसन पीटर्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने। पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये हुआ कहाँ पे था? तुर्कू फिनलैंड में। तो ये भी आपसे याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ था? तुर्कू फिनलैंड में। और भाला कितनी दूर फेंका नीरज चोपड़ा ने? तो 85.97 मीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने 17.5 अंकों के साथ जीता? आपके पास ऑप्शन है गुकेश डी, ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी है फेबियानो कारुआना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैग्नस कार्लसन। हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने 17.5 अंकों के साथ जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैग्नस कार्लसन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। कितने अंक के साथ? 17.5 अंकों के साथ। इसके अलावा जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने किसे हराया? तो अमेरिका के हिकारू नाकारुमा को। भारत के जो ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया, डिफीट किया अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि हिकारू नाकामुरा का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। कौन से देश से है? तो अमेरिकन है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो हालांकि आर प्रज्ञानंदा ने हिकारू नाकामुरा को हराया, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे नाकामुरा ही। कितना स्कोर था इनका? 15.5 पॉइंट, ठीक है, 15.5 पॉइंट था। और तीसरे स्थान पर कौन रहे? तीसरे स्थान पर रहे आर प्रज्ञानंदा, इनका कितना स्कोर था? 14.5 पॉइंट।
14.5 पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम आपको याद रखना है आर प्रज्ञानंदा का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीनिया द्वीप किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। सीनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो संयुक्त अरब अमीरात के सीनिया द्वीप पर पुरातत्वविदों को पुराने शहर तुम के अवशेष मिले हैं। और ये जो शहर है, ये जो शहर था आपका, किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो मोती व्यापार के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डीजीसीए का लक्ष्य भारत में विमानन उद्योग में किस वर्ष तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या को 25% के वांछनीय प्रतिनिधित्व तक बढ़ाना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2027, ऑप्शन डी है 2028। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025। डीजीसीए का लक्ष्य भारत में विमानन उद्योग में किस वर्ष तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या को 25% के वांछनीय प्रतिनिधित्व तक बढ़ाना है? 2025 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तत्परता और क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन का नीति आधारित ऋण स्वीकृत किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किस संस्थान ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तत्परता और क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन का नीति आधारित ऋण स्वीकृत किया है? तो ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और एक कौन से प्रोग्राम के तहत? अंडर द स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम। और स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथेंड द मेजरेबल एक्शन फॉर रेजिलियंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, स्मार्ट का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी है 18 जून, ऑप्शन सी है 25 जून, ऑप्शन डी है 20 जून। सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? तो 20 जून को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2024 की ऑफिशियल थीम क्या है? एवरीवन इज वेलकम। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? 20 जून को। और 2024 की ऑफिशियल थीम क्या है? एवरीवन इज वेलकम। इसके अलावा वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाते हैं? 21 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है UNSCR, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNSCR। अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNSCR ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इन्होंने कौन से टेलीविजन श्रृंखला में काम किया है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो द जेंटलमैन और द वाइट लोटस। इन्होंने जो ब्रिटिश अभिनेता है थियो जेम्स, इन्होंने कौन सी टेलीविजन श्रृंखला में काम किया है? द जेंटलमैन और द वाइट लोटस। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया कैसेमीर इफेक्ट क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कैसेमीर इफेक्ट है, कैसेमीर प्रभाव एक छोटा आकर्षक बल है जो दो निकट समानांतर अनावेशी संवाहक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेटों के बीच कार्य करता है। कैसेमीर इफेक्ट क्या है? तो कैसेमीर इफेक्ट एक छोटा आकर्षक बल है जो दो निकट समानांतर अनावेशित संवाहक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेटों के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
और इसका एक फार्मूला होता है, तो कैसिमीर इफेक्ट होता है, इज ए स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू क्लोज पैरेलल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स। और एक क्यों होता है, इट इज कॉज्ड बाय क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू पाई एस सी डिवाइडेड अपॉन 480 एल टू द पावर 4 इंटू ए। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका है एरिया, ये आपका है एरिया, और L क्या है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस L। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संगठन ने कक्षाओं में हरित शिक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी है UNDP। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को। हाल ही में किस संगठन ने कक्षाओं में हरित शिक्षा के लिए नई पहल शुरू की है, तो यूनेस्को ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्वसेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो गिव एन ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2024 की स्थिति और रुझान स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है UNDP। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ से जो की पॉइंट है उसे देख लेते हैं, 2023 में कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। सेकेंड आपका जो पॉइंट है, की पॉइंट 75 वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण परिचालन में है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग कितना परसेंट कवर करते हैं, 24%। ब्राजील, भारत और तुर्की ने कार्बन मूल्य निर्धारण कार्यान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। किन देशों ने, ब्राजील ने, भारत ने और तुर्की ने। इसके अलावा चीन और भारत कार्बन क्रेडिट जारी करने के मामले में सबसे बड़े मेजबान देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने हाल ही में वर्जीनिया के 10वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। वह इस कठिन क्षेत्र में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सैम अनिरुद्ध, ऑप्शन डी है सुहास सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुहास सुब्रमण्यम। किसने हाल ही में वर्जीनिया, अच्छा एक की पॉइंट है आपसे पूछ सकता है कहाँ से, तो याद रखना है वर्जीनिया के 10वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। वह इस कठिन क्षेत्र में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी है, तो उनका नाम क्या है, सुहास सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक और संरचना संवर्धन योजना, शॉर्ट में इसे बोलते हैं NFIES, का उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ऑप्शन सी है शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है NFIES स्टैंड्स फॉर, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो NFIES स्टैंड्स फॉर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, तो ये भी आपको याद रखना है। और कैबिनेट ने अप्रूव किया है, द कैबिनेट हैज अप्रूव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स अंडर दिस स्कीम। पहला क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंपस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन द कंट्री। और तीसरा है आपका इन्हेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली कैंपस ऑफ द NFSU। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने कितना आउटले
जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है कितने अप्रूव किया है, तो आपका किया है 2254.43 करोड़ कब तक के लिए, 2024-25 से 2028-29 के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम है NFIES, तो इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने कितना फाइनेंशियल आउटले अप्रूव किया है, तो 2254.43 करोड़ और कितने पीरियड के लिए, तो 2024-25 से 2028-29 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो हर साल किस देश के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण विज्ञान और व्यावहारिक योगदान को मान्यता देता है। तो असाही ग्लास फाउंडेशन कौन से देश का है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी जापान। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी जापान। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो हर साल जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किसकी बात हो रही है, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की, जिसे कौन देता है, तो जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण विज्ञान और व्यावहारिक योगदान को मान्यता देता है। अच्छा, 2024 में अवार्ड किसे मिला है, तो 2024 में अवार्ड मिला है, अच्छा एक पॉइंट और, ये जो आपका प्राइज है द ब्लू प्लैनेट प्राइज, इसमें अवार्ड कितना दिया जाता है, तो 5,00,000 USD, ठीक है, ये भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। और 2024 में जो अवार्ड मिला है, दो लोगों को मिला है, एक है प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टांजा, ठीक है, और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, IPBES stands for इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, IPBES क्या है। जर्मनी में 2012 में स्थापित IPBES नीति निर्माताओं को जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सिफारिशें प्रदान करता है। तो आपसे एग्जाम में सिंपली पूछ सकता है, IPBES स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 2012 में, कौन से कंट्री ने किया था, तो जर्मनी में हुआ था। इसका काम क्या है, तो यह नीति निर्माताओं को जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सिफारिशें प्रदान करता है, और सचिवालय का मुख्यालय जर्मनी की संघीय सरकार द्वारा बॉन में स्थित है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो गिव एन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIIT दिल्ली, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संगठन ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IUCN, ऑप्शन डी WMO, इसे शॉर्ट में बोलते SDSN। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क। हाल ही में किस संगठन ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, SDSN कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था कौन से ईयर में, 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था। और ये जो सतत विकास रिपोर्ट 2024 आया हुआ है, ये कौन से नंबर का रिपोर्ट है, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो ये आपका नाइन्थ एडिशन था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सबसे पहले जो अभी रिपोर्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसकी थीम क्या थी, द SDG एंड द UN समिट ऑफ द फ्यूचर, थीम क्या थी, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट में बोलते SDG एंड द UN समिट ऑफ द फ्यूचर।
इसमें की पॉइंट क्या है, तो 16% जो टारगेट है एसडीजी का, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है, इसका 16% केवल अचीव हो पाएगा 2030 तक, ठीक है। और इसके अलावा टॉप 5 कंट्री कौन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में रैंकिंग मिला हुआ है, तो टॉप 5 देश कौन से हैं, तो पहले पे है फिनलैंड, टॉप पे है फिनलैंड, सेकेंड पे है स्वीडन, थर्ड पे है डेनमार्क, चौथे पे है जर्मनी, फ्रांस है 5वें स्थान पे। और भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 109, भारत की रैंक है 109 और भारत का स्कोर कितना है 63.99 या अप्रॉक्स 64 बोल सकते हैं। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है UNEP, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक गैस फ्लेयरिंग क्या होता है, तो गैस फ्लेयरिंग तेल निष्कर्षण से जुड़ी प्राकृतिक गैस का जलना है। गैस फ्लेयरिंग इज द बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा इसमें जो की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, वैश्विक गैस ज्वलन में 9 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि का पता चला, जो 148 BCM तक पहुंच गया, जो 2019 के बाद से उच्चतम स्तर है। तो यहां से आपको याद क्या रखना है, वैश्विक गैस ज्वलन में कितने BCM की वृद्धि का पता चला, तो 9 BCM। BCM का मतलब क्या हुआ, बिलियन क्यूबिक मीटर, और कितना पहुंच गया, 148 BCM तक पहुंच गया, जो 2019 के बाद से उच्चतम स्तर है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।